धार की भोशाला कमाल मौला मस्जिद का विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के आदेश पर एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट बनाकर उच्च न्यायालय में 15 जुलाई को प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें आज सुनवाई होना थी, मगर मुस्लिम पक्षकार के आवेदन पर 1 अप्रैल 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया हुआ। ऐसे में उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा आज सुनवाई के दौरान कुछ पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट नहीं मिली थी, उन्हें सर्वे रिपोर्ट दिए जाने के आदेश दिए तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत अभी इस न्यायालय में अन्य किसी प्रकार की सनी नहीं जा सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे हटाए जाने के उपरांत ही हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मॉन्यूमेंट को लेकर अगली सुनवाई 30 जुलाई को होनी है, तब तक सभी को इंतजार करना होगा। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। देखिए, आज उच्च न्यायालय इंदौर के डबल बेंच के समक्ष भोशाला के मामले में सुनवाई निर्धारित थी, जिसमें आज सुनवाई करते हुए डबल बेंच में समक्ष कुछ पक्षों को कॉपी नहीं रिसीव हुई थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना पक्ष रखा कि हमें कॉपी रिसीव सर्वे की नहीं हुई है, तो हमें भी सर्वे की कॉपी रिसीव कराई जाए। न्यायालय ने आदेश दिया कि इन सभी पक्षों को कॉपी रिसीव कराए, आज संभवतः सभी को कॉपी रिसीव भी हो जाएगी। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से इंटरवीन इस पिटीशन में रिस्पॉन्डेंट बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी पूर्व में आवेदन दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप उच्च न्यायालय इंदौर का तरफ अपना रुख अपनाइए, और आज उन्होंने अपना पिटीशन में अपनी इंटरवीन एप्लीकेशन के साथ ही सुनवाई की प्रयास किया, जिसमें न्यायालय का मत है कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश अनुसार ही हम सारी चीज़ें सुन पाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे है वहाँ आइए, रिपोर्ट अपनी पेश बताइए, सारी चीज़ें अवगत कराइए, वहाँ के आदेश के बाद हम किसी भी पक्ष को सुनने में समर्थ रहेंगे। लेकिन कोर्ट में काफ़ी देर बहस हुई, काफ़ी तर्क रखे गए आप लोगों के द्वारा, लेकिन कोर्ट का क्या कहना था, चूंकि आज सुनवाई होनी थी, आदेश निकलने थे जो एसआई की रिपोर्ट पर थे? देखिए, आज रिपोर्ट क्योंकि 15 तारीख को रिपोर्ट पेश हुई है, आज न्यायालय के समक्ष तारीख थी, आज ऑन रिकॉर्ड वो रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष आई है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट के ऊपर अपना स्टे दिया हुआ था, ऐसी स्थिति में न्यायालय अग्रिम सुनवाई करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उन्होंने सभी पक्षों को कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वेट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो भी आदेश होता है वो आदेश होने के बाद इस न्यायालय को अवगत कराते हुए फिर इस न्यायालय की अग्रिम तारीख आपको मिलेगी। ऐसा भी सुनने में आया है कि मुस्लिम पक्ष ने पूरा ही मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करवाने की बात रखी। नहीं, ऐसा कुछ अभी तक कुछ नहीं है। आज की सुनवाई का क्या निर्णय निकला? देखिए, सब सुप्रीम कोर्ट जब तक अपना मत क्लियर न करे, सुप्रीम कोर्ट के मत के बाद ही ये न्यायालय सुनने की स्थिति में रहेगा। 30 तारीख सुप्रीम कोर्ट में अनुमानित लगी हुई है, और प्रोसीडिंग में कंप्लीट होने के बाद सुनवाई होगी, और सुनवाई के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है कि जो कॉपी नहीं मिली थी एसआई के द्वारा, पक्षकारों को कॉपी नहीं मिली थी, उसकी भी बात हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई। ये वो कुछ अन्य पिटिशनर क्योंकि कुछ पुरानी पिटिशन भी चल रही है, उसमें जो पिटिशनर रिस्पॉन्डेंट हैं उनकी और से अपीयर होकर कहा गया है कि क्योंकि सेम सब्जेक्ट का मैटर है तो हमें भी कॉपी रिसीव कराई जाए, तो न्यायालय का कहना है कि आपको भी कॉपी रिसीव कराई जाएगी। अंतर सिंह वान्य करके एक पिटिशन है, उसमें सीनियर एडवोकेट अपीयर हुए थे और उनकी ओर से कॉपी रिसीव कराई। कलाम मुला को लेकर ने भी तर्क रखे थे कि मस्जिद को लेकर, वो उसी लिए आए थे इंटरव्यू के लिए, पर उन्होंने न्यायालय का मत अभी स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सुनवाई की जाएगी। आपका नाम? शरीश दुबे, हिंदू पक्ष और से अधिवक्ता। देखिए, अगली सुनवाई की डेट तो जो है ऑनरेबल कोर्ट फिक्स करेगी, और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के फर्दर ऑर्डर्स होंगे उसके बाद आगे की सुनवाई की जाएगी। जो रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी कॉपी कुछ पक्षों को प्रोवाइड कराने का कोर्ट ने ऑर्डर किया है। सलमान खुर्शीद साहब ने जो है जो ऐसे एएसआई की जो रिपोर्ट फाइल हुई है उन्होंने कहा कि वो एक्सटेंसिव रिपोर्ट है, तो उसको स्टडी करने के लिए हमें 4 हफ्ते का समय दिया जाए, ताकि हम हमारे जो भी ऑब्जेक्शंस रेज करना चाहें वो कर सकते हैं, ऐसा खुर्शीद साहब का कहना था। नहीं, आज कोई ऐसे और दूसरे कोई आर्गूमेंट नहीं हुआ, आज इसी पर बात हुई है। कुछ लोगों ने कॉपी क्लेम की थी, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जिनको पक्षकारों को कॉपी नहीं मिली है उनको कॉपी प्रोवाइड करवाई जाए, और इसके बाद जो है बाकी चीज़ें जो भी होंगी वो सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसाइड होगा उसके आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार की जाएगी। आपकी ओर से क्या कुछ रखा गया? हमने बताया कि हमारी इंटरवेंशन एप्लीकेशन है, और हम इंडियन की तरफ से जो हमने फाइल की, एक तो मुतवल्ली हैं कमाल मौलाना साहब के जो वारिस हैं उनकी तरफ से हमने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की है, और दूसरी इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो जबलपुर में जिनका रेट अपील पेंडिंग है उनकी तरफ से हमने, तीन लोगों की तरफ से हमने इंटरवेंशन फाइल किया, और हमने कहा है कि हमें भी सुना जाए, हमारा इसमें जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और उस इंटरवेंशन एप्लीकेशन के माध्यम से हम रिस्पॉन्डेंट के रूप में जोड़ के हमें भी आगे पक्ष बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में कब होना है? 30 तारीख संभावित बताई गई। हाँ, 28 से 30 तारीख के मध्य जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है, संभावित तारीख है,
देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या डेट फिक्स होती है, और जो भी होगा उसी के बाद वहाँ जो ऑर्डर होगा या फर्दर जो भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी उसी के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आगे प्रोसीड करने का कहा है। जी मैं नूर अहमद शेख एडवोकेट, और मैंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की है इंटरवीनर की तरफ से। कोर्ट में सुनवाई हुई और किस तरह के तर्क रखेगा? बहुशाला प्रकरण में आज कोर्ट नंबर 9 में माननीय जस्टिस धर्माधिकारी जी और माननीय जस्टिस रमन्ना जी के समक्ष आज सुनवाई हुई है। आदरणीय हरिशंकर जी जैन दिल्ली से लाइव जुड़े थे और यहाँ हमारा पक्ष श्री विनय जोशी जी ने रखा है, और एएसआई ने अपनी सर्वेक्षण की रिपोर्ट 15 जुलाई को प्रस्तुत कर दी थी, जिसके पश्चात आज यह पहली सुनवाई रही। तो इस सुनवाई में जैसा कि आप जानते हैं कि हम ही लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक आवेदन आदरणीय विष्णु शंकर जी जैन एडवोकेट की ओर से दे रखा है कि जो 1 अप्रैल 2024 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा रखी है रिपोर्ट के, वो हटाने के लिए एक आवेदन 2-3 रोज पूर्व दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई 30 जुलाई को है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रियान्वयन पर से रोक नहीं हटाई जाएगी तब तक हाई कोर्ट की गतिविधि आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ की सुनवाई आगे बढ़ गई है। भैया इसमें एक ये भी बात सुनी, सलमान खुर्शीद ने भी अपने तर्क रखे, कलाम मौला मस्जिद को लेकर जो याचिका लगी थी उस पर भी सुनवाई हुई, कि क्या कहना था कलाम मौला मस्जिद को जो याचिका लगी थी उस पर? नहीं, पहली चीज़ तो वहाँ किसी प्रकार की कोई मस्जिद नहीं है, वो एक सो कॉल्ड मकबरा है। तो कमाल मौलाना के वंशज जिस नाते उन्होंने एक आवेदन दिया था, यह आवेदन 5 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में ही खारिज हो चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विषय हाई कोर्ट का है, आप हाई कोर्ट में जावे, तो उन्होंने इस केस में सम्मिलित होने के लिए एक अर्जी लगाई है, लेकिन जिस पर अभी किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है। सलमान खुर्शीद किस तरह के तर्क रखे थे, क्या कहना था? नहीं, कोर्ट के में उन्होंने अपनी बातें रखी थी और जो है मुस्लिम पक्ष उन्होंने उसमें रखा था, और उन्होंने भी कहा था कि इन्हें वंशज इस नाते जो है वो उस केस में अपेयर मतलब उस केस के अंदर किया जावे, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। आज जो रिपोर्ट खुलनी थी, क्या हाईकोर्ट ने उस रिपोर्ट को खोला, बताया एएसआई ने जो रिपोर्ट रखी उसके बारे में कुछ जिक्र हुआ? एएसआई ने तो अपनी रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में 15 जुलाई को ही दे दी थी, और 15 जुलाई से ही यह रिपोर्ट हाईकोर्ट के पास है, जिसकी की कॉपी जो है वादी और प्रतिवादियों को मिल चुकी है। लेकिन आज जैसा बताया जा रहा था कि आज उस पर कोर्ट सुनवाई कर आदेश जारी कर सकता है, तो क्या उस पर 1 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली बार सुनवाई हुई थी यह कहा था कि सर्वे जारी रहेगा, तो एएसआई ने 98 दिन तक धार में भोजशाला में सर्वेक्षण करा, जिसकी रिपोर्ट 15 जुलाई को प्रस्तुत हुई, लेकिन साथ ही 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी व्यवस्था बनाई गई थी कि रिपोर्ट का क्रियान्वयन सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बिना नहीं होगा, इसलिए आज माननीय हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में दिशा निर्देश नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ पर आगे की गतिविधि नहीं। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।